बेसिक शिक्षा विभाग परिषद की तरफ से आयोजित 22वीं जूनियर खो खो प्रतियोगिता में जनपद से बेसिक शिक्षा परिषद भटहट ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गुलरिहा जमुनिया के 8 खिलाड़ी टीम में चयनित किए गए थे। इन्होंने बिजनौर को 2 अंक से हराकर स्टेट चैंपियनशिप में जनपद को जीत हासिल कराया। इस संबंध में बेसिक शिक्षा कार्यालय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में बीएससी रमेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि स्टेट लेवल पर खो खो खेल की प्रतियोगिता हुई, जिसमें जनपद खो खो में प्रथम स्थान पर आया है। उन्होंने शिक्षक और खिलाड़ियों को बधाई दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में खेल को प्रोत्साहित किया जाए और अध्यापकों से अपील करते हुए कहा कि स्कूल खुलने के बाद बच्चों को योगा, खेल और पीटी में बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए और निश्चित रूप से खेल और योगा में इनका भविष्य उज्जवल होगा। इस अवसर पर जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह, योगाचार्य डॉक्टर विनय मल, प्रीति सिंह, विवेक जायसवाल, रमेश सहित शिक्षक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए खो खो खिलाड़ियों के कप्तान रवि कांत, कोच अविनाश चौहान तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र कुमार सिंह ने कहा, तो आप लोग क्या खो खो खेलते हो बैडमिंटन? क्या प्लानिंग है आगे फ्यूचर के लिए? मान जो सुनना चाहूँ, हमारा स्पोर्ट्स में ही बहुत करियर होता है। स्पोर्ट्स का तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके शरीर अंदर तो कोई बीमारी नहीं होती। कोई ना कोई मदद के लिए ईश्वर किसी ना किसी को मिलता रहेगा आपके लिए। शिक्षा परिषद के लिए बच्चे 8 बच्चे इसमें हैं और जो 2-4 इंटर कॉलेज के लिए हैं, बट वो बेसिक से ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में थी और इसमें ओपन था। 20 साल बाद ये चीज जो है गोरखपुर को ये अचीवमेंट मिला। तो मैं सबसे पहले नाम बोलती हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है, मेरे कोच अविनाश सर हैं और एक वाइस कोच जो है रवि कांत सर। मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर, मेरी टीम ने फाइनल जीत के आई बिजनौर से। कौन सा खेल खेला है? खो खो गेम खेलता हूँ हम लोग, खो खो के प्लेयर्स हैं और हमारी जो टीम है वो सर बहुत अच्छी है, आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस करती रहेगी यहाँ तक मेरा मानना है। क्या बाकी भाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी भाव के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करिए ईमानदारी से करिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। जो आपके कोच है, सबसे बड़ा खेल का अनुशासन होता है, अनुशासन में रहिए, आप अपने कोच का
वो रिस्पेक्ट करिए, आपको गेम रिस्पेक्ट करेगी। अविनाश चौहान मेरा नाम है और मैं बेसिक शिक्षा विभाग का ही टीचर हूँ। मेरा पोस्टिंग सम्मिलियनपुर माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर उरुआ में है। सर, बहुत खुशी की बात है और हमारे इस बेसिक परिषद के लिए भी बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि ये सफलता पिछले 22 साल से हम लोग खोज रहे थे, आज हमको ये मिली है। और मैं बताना चाहूँगा, ये सारे बच्चे बेसिक परिषद के बच्चे हैं, भट्टड़ ब्लॉक के बच्चे हैं, कुछ जो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, और इसमें हम बेसिक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा। और रीना मैडम, अकरम सर ने हमें बुला के बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बुलाया और मैं ट्रेनिंग दिया पिछले 6 महीने से। आज उसका रिजल्ट सामने है और पूरे प्रदेश में गोरखपुर का नाम ऊंचा हुआ और उसके साथ साथ बेसिक विभाग का भी नाम ऊंचा। इसके लिए मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ये 22वीं जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप बिजनौर में आयोजित हुआ और वहाँ पर ये बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए। खो खो खिलाड़ी हमारे ये स्टेट लेवल खेले थे, विभिन्न स्कूलों से ये बिजनौर में इनका प्रतियोगिता हुई थी, तो हमारा जनपद खो खो में प्रथम आया है। मैं उन खिलाड़ियों को भी बधाई देना चाहता हूँ और जिन शिक्षकों ने इन खिलाड़ियों को तैयार किया है उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं क्योंकि सरकार की ये मंशा है कि प्रत्येक स्कूल्स में खेल को प्रोत्साहित किया जाए, तो मैं सभी अध्यापकों से ये अनुरोध करूँगा कि जब भी स्कूल खुले, अभी योगा आने वाला है, योगा और खेल पीटी में हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया जाए और निश्चित रूप से खेल और योगा में भी उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। और मैं सभी अध्यापकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे ही लेते रहें और योगा और पीटी हमारे बच्चों को सिखाते रहें।